नमस्कार दोस्तों, नव भारती परिवार में आपका स्वागत है। आज हम समेकित शिक्षा के समाधानों के बारे में पढ़ेंगे। कल आपको मैंने समेकित शिक्षा क्या होती है, समेकित शिक्षा की आवश्यकता क्यों है, विकलांगों के लिए समेकित शिक्षा कितनी उपयोगी है, ये सब हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे कि समेकित शिक्षा को विकलांगों की पहुंच तक पहुंचाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, हमें समय की शिक्षा को आगे किस तरीके से बढ़ा सकते हैं कि विकलांग, जो कि आज आपको पता भी है कि आज भी 50% से ज़्यादा विकलांग विद्यालयों की पहुंच से बाहर है, तो सभी को शिक्षा उपलब्ध करवाने के लिए समय की शिक्षा कार्यक्रम के तहत ऐसे कौन कौन सी नीतियां अपनाई गई जिसके कारण समय की शिक्षा को आगे बढ़ाया जा सके। तो देखो, समय की शिक्षा के समाधान में पहला आता है पर्याप्त संसाधन और बजटीय प्रावधान। मतलब यहाँ पर यही है कि हमारे देश की सरकार ने विकलांगों की शिक्षा के लिए, कि उनको समय की शिक्षा मिल सके, इसके लिए उन्होंने विकलांग अधिनियम बनाया। इसके अलावा विशेष प्रकार के उपकरण, संसाधन, इसके अलावा शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम, कई ऐसे संसाधन, मानवीय हो चाहे भौतिक संसाधन, सभी को उपलब्ध करवाने की कोशिश की है। इसके बाद आता है बजटीय प्रावधान। आपको ये भी पता होगा कि हर साल जो बजट निकलता है उसमें विकलांगों के लिए अलग से व्यवस्था या प्रावधान होता है। इन बजटीय प्रावधानों का ही असर है कि आज विकलांगों की स्थिति भारत में सुधरी है। आगे देखिए SSA की नीतियां। सबसे इम्पोर्टेंट है SSA। मैंने बताया भी था अटल बिहारी वाजपेयी, जो कि भारत के पूर्व प्रधानमंत्री रहे हुए हैं, अटल बिहारी वाजपेयी के काल में 2000 में प्रारंभ की गई SSA की जो योजना थी, सर्व शिक्षा अभियान, सब पढ़े सब बढ़े। इस योजना के तहत कहा गया कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा उपलब्ध करवाई जाएगी। 2003 तक नामांकन को बढ़ाया जाएगा, नामांकन को 100% किया जाएगा। 2007 तक हम कक्षा 5 तक की जो शिक्षा है उसका सार्वभौमीकरण करेंगे और 2010 तक संपूर्ण भारत में कक्षा 1 से लेकर 8 तक के विद्यार्थी जो है उनका सार्वभौमीकरण करेंगे। मतलब यही है कि सबको शिक्षा उपलब्ध करवाना SSA की कार्य नीतियों के अंतर्गत आता है और SSA की नीतियों के कारण ही आज विकलांग बालक समेकित शिक्षा को ग्रहण कर पा रहे हैं। तो SSA क्या है, सर्व शिक्षा अभियान को अपन एक अलग से वीडियो में पूरे में सर्व शिक्षा अभियान को पढ़ेंगे। अभी मैंने ये समाधान के अंतर्गत थोड़ा सा इसमें आपको समझा दिया है। उसके बाद आता है अध्ययनकर्ताओं का योगदान। अध्ययनकर्ताओं का क्या योगदान था, इन अध्ययनकर्ताओं में दत्त गार्गी ने 2001 में UGC विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, जिसकी स्थापना 1956 में हुई थी, इसने कई ऐसे अध्ययन दिए। माहेश्वरी ने अध्ययन दिया 2003 में। इन अध्ययनकर्ताओं ने ऐसे अध्ययन किए ताकि विकलांगों को समय की शिक्षा उपलब्ध करवाई जाए। इन्होंने विकलांगों की समस्याओं के बारे में बताया, विकलांगों को किस तरीके से विद्यालय में प्रवेश दिया जाए, किस प्रकार का उनको वातावरण दिया जाए ताकि समय की शिक्षा को आगे बढ़ाया जा सके। तो इन अध्ययनकर्ताओं का भी समय की शिक्षा में महत्वपूर्ण योगदान है और समय की शिक्षा को आगे बढ़ाने में इन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया है। उसके बाद आता है कि शैक्षिक संगठन। कई शैक्षिक संगठनों की स्थापना भारत में की गई ताकि इन शैक्षिक संगठनों के द्वारा विकलांगों की शिक्षा को आगे बढ़ाने का प्रयास किया जाए, बीड़ा उठाया जाए। उन संस्थानों में आपको याद भी रखना है, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय नई दिल्ली, जो कि छात्रवृत्तियां उपलब्ध करवाता है। आज भी आप जानते हैं, आप बीएडधारी है, कि जो अल्पसंख्यक जातियां हैं उन जातियों के बच्चों को क्या उपलब्ध करवाती है, छात्रवृत्ति सुविधा उपलब्ध करवाती है। विकलांगों को जो छात्रवृत्ति सुविधा है वो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, जिसका
कहाँ पर है हेड ऑफिस? नई दिल्ली में है। ये उपलब्ध करवाने का कार्य करता है और समय की शिक्षा को आगे बढ़ाने में इसका बड़ा ही रोल है। उसके बाद आता है राष्ट्रीय दृष्टि बाधित संस्थान, कहाँ पर है? देहरादून में है। कहाँ पर है? देहरादून में। ये याद होनी चाहिए और आप अपनी कॉपी में इसको नोट डाउन करते जाइए, शॉर्ट नोट्स है और आपको काम आएंगे। तो देखिए, राष्ट्रीय दृष्टि बाधित संस्थान कहाँ पर है? देहरादून में। नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड कहाँ पर है? मुंबई में है। राष्ट्रीय मूक बधिर संस्थान मुंबई में। राष्ट्रीय मूक बधिर संस्थान कहाँ पर है? मुंबई में है। राष्ट्रीय अस्थि विकलांग संस्थान पश्चिम बंगाल में है। कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में। और भी कई ऐसे शैक्षिक संगठन हैं जो कि विकलांगों को समय की शिक्षा तक पहुंचाने का बीड़ा उठा रखा है इन शैक्षिक संगठनों ने। तो एक बार और रिवाइज कर लेते हैं। सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में है। दूसरा, राष्ट्रीय दृष्टि बाधित संस्थान कहाँ पर है? देहरादून में है। और नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड कहाँ पर है? मुंबई में है। इसके अलावा मूक बधिर संस्थान मुंबई और राष्ट्रीय अस्थि विकलांग संस्थान कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में। अस्थि विकृत संस्थान पश्चिम बंगाल में है। तो इन संस्थानों को आपको याद रखना है, एग्जाम के दृष्टिकोण से ये काफी लाभदायक सिद्ध हो सकते हैं। उसके बाद आता है कि समय की शिक्षा को सफल बनाने के लिए कौन कौन सी शैक्षिक नीतियां हमारे भारत में अपनाई गई। तो पहली आपकी आती है जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम। जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम 6 से 14 साल तक के बच्चों को 2010 में प्रारंभ किया गया। जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम, ये जो जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम है डीपीईपी डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम, जिसको एसएसए के तहत 2010 में भारत में लागू किया गया, जिसका मेन मोटिव यही था कि 6 से 14 वर्ष तक की शिक्षा का सार्वभौमीकरण करना। शिक्षा का सार्वभौमीकरण करेंगे तो विकलांगों को भी सामान्य शिक्षा में शामिल किया जाना कंपलसरी हो गया था। तो समय के शिक्षा में जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। उसके बाद आता है शिक्षा का अधिकार अधिनियम आरटी। क्या है आरटी? को 2009 में पारित किया गया और 1 अप्रैल 2010 में संपूर्ण भारत में इसको क्या कर दिया गया बच्चों? लागू कर दिया गया। इसमें कितने अध्याय है? 7 अध्याय है। कितने अध्याय है इसमें? 7 अध्याय है। और अनुच्छेद कितने हैं? अनुच्छेद कितने हैं इसमें? 38 अनुच्छेद है। अनुच्छेद है इसमें 38 और 7 इसमें क्या है? अध्याय है। किसमें? आरटी अधिनियम में। आरटी जो अधिनियम जो कि 2009 में पारित हुआ, इसका मेन उद्देश्य था शिक्षा का अधिकार अधिनियम। और इसी आरटी अधिनियम को क्यों लागू किया गया? क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद अनुच्छेद 21 में ए जोड़ा गया था उसमें कहा गया था कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा उपलब्ध करवाना उनका क्या है? अधिकार है। इसके अलावा नीति निर्देशक तत्वों में भी इसको जोड़ा गया, मूल कर्तव्यों में भी शिक्षा के अधिकार को जोड़ा गया था। संवैधानिक प्रावधान होने के कारण हमारे देश की सरकार को आरटी अधिनियम लाना पड़ा। और जो आरटी अधिनियम था, अधिनियम पारित करने वाले 135 देशों में भारत को क्या कर लिया गया? शामिल कर लिया गया। तो आपको पता होना चाहिए, आगे आएगा भी टॉपिक और इस टॉपिक को, जैसे सर्व शिक्षा अभियान है, आरटी अधिनियम है, ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है। तो इनको मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी, बस मैं पढ़ा रही हूँ तो आपको इस बात की नॉलेज होनी चाहिए कि आरटी अधिनियम क्या है।
तो क्या सुना आपने, आरटी अधिनियम 2009 में आया, इसका पूरा नाम है निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार, निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में संसद के द्वारा पारित किया गया और 1 अप्रैल 2010 में समस्त भारत में इसको लागू कर दिया गया और भारत इसमें 135 देशों में आ गया है। किसके कारण? आरटी अधिनियम के कारण। इसमें 7 क्या है? अध्याय है और अनुच्छेद कितने हैं? 38 है। अब बात यह है कि आरटी अधिनियम में ऐसा क्या है कि आज समस्त भारत में शिक्षा के अधिकार को लेकर के कई चर्चाएं हैं और इस अधिनियम ने समस्त शिक्षा जगत में परिवर्तन कर दिया, विकलांगों के लिए सामान्य शिक्षा की व्यवस्था मुहैया करवा दी। आपने नाम भी सुना होगा, इसी आरटी अधिनियम के तहत जो अनुच्छेद आपका 13 है, इसी का अनुच्छेद जो 13 है वो यही कहता है, क्या कहता है कि निजी स्कूल के 25% जो विद्यार्थी है उनका जो एजुकेशन का भार है वो सरकार चुकाएगी, जो भी दुर्लभ और जो मतलब बीपीएल परिवारों के जो बच्चे हैं उनको स्कूलों में कोटा मिलेगा। कितना परसेंट मिलेगा? 25% कोटा मुहैया करवाया जाएगा। तो हमारे निर्धन जो गरीब बच्चे हैं उनको शिक्षा जो मुहैया करवाती है वो कौन सा अधिनियम है? आरटी अधिनियम 2009। और आपको पता भी होना चाहिए इसके हर साल लॉटरी निकलती है और हर स्कूल का जो 25% जो बच्चे हैं उनकी शिक्षा का भार कौन उठाता है? राज्य सरकार और केंद्र सरकार उठाती है। इसके बाद आता है और क्या है आरटी अधिनियम। ये कहता है विद्यालय के मान और मानकों को निर्धारित करता है। आरटी अधिनियम कहता है कि शिक्षक का क्या उत्तरदायित्व होगा, अध्यापक का क्या उत्तरदायित्व होगा, स्थानीय निकायों का क्या क्या उत्तरदायित्व होगा। इसके अंतर्गत दुर्लभ में, असुविधाजनक, विकलांग बच्चों में कौन कौन से विद्यार्थी आएंगे, ये सब आपका आरटी अधिनियम के अंतर्गत सब बातें कही गई है। आरटी अधिनियम में ये कहा गया है कि किसी भी बच्चे को अगर टीसी लेनी है, दूसरे स्कूलों में स्थानांतरण होना है, तो उस प्रिंसिपल को उस बच्चे को टीसी देनी ही पड़ेगी। तो ये सब हमारा आरटी अधिनियम कहता है, हमें शिक्षा के अधिकार से संबंधित कई ऐसे अधिकार देता है। और आरटी अधिनियम का जो अध्याय 2 है वो भी यही कहता है कि अगर कोई बच्चा मंद बुद्धि है या कोई बच्चा बाद में स्कूल में प्रवेश करता है तो उसको उसके उस आधार पर शिक्षा से वंचित नहीं किया जा सकता, उसको प्रारंभिक शिक्षा का प्रमाण दिया जाएगा, उसको ब्रिज कोर्स करवाया जाएगा, उसको विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा और शिक्षकों के लिए भी प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई। तो आरटी अधिनियम ने समय की शिक्षा में अपना महत्वपूर्ण रोल अदा किया। तो आप सब बच्चों को याद होना चाहिए आरटी अधिनियम कब आया? 2009 में आया। और आरटी अधिनियम आने के कारण भारत कौन से उसमें शामिल हो गया? 135 देशों में भारत शामिल हो गया। और आरटी अधिनियम कब लागू हुआ? आरटी अधिनियम 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ था। ठीक है बच्चों, उसके बाद देखते हैं पंचवर्षीय योजनाएं। पंचवर्षीय योजनाओं का नाम तो सबने सुना होगा, हमने रसिया से इसको एडॉप्ट किया था। रसिया में इसको 1920 में चालू किया गया, जबकि भारत में पंचवर्षीय योजनाओं को लागू करने में पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो कि भारत के कौन थे? प्रथम प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, ने भारत में पंचवर्षीय योजनाओं का आगाज कर दिया। और भारत में ये पंचवर्षीय योजनाएं 12वीं पंचवर्षीय योजना तक रेगुलर चली और अब इसी के बाद जो अब आया नीति आयोग, जो कि इस नीति आयोग के बाद में हर साल जो है इन जो योजनाएं हैं वो योजनाओं की प्लानिंग की जाती है। तो आपने देखना कि ये जो पंचवर्षीय योजनाएं थी उसमें इंदिरा गांधी के काल में आत्मनिर्भर बनो,
नारा दिया था इंदिरा गांधी ने आत्मनिर्भर बनो, तो आत्मनिर्भर विकलांगों को कैसे बनाया जाए, तो इसके लिए इंदिरा गांधी ने कहा था कि विकलांगों को भी सामान्य शिक्षा उपलब्ध करवाई जाए, उनको सामान्य वातावरण उचित अवसर प्रदान किए जाए, ताकि वो शिक्षा जगत में या किसी भी क्षेत्र में अपने आप को प्रूव कर सके, अपने आप को सिद्ध कर सके। तो इसके लिए पंचवर्षीय योजनाओं में कई ऐसे बजटीय प्लान किए गए ताकि समेकित शिक्षा को आगे बढ़ाया जा सके। उसके बाद आता है राष्ट्रीय शिक्षा नीति। राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनपी, नेशनल प्रोग्राम ऑफ एजुकेशन, नेशनल प्रोग्राम ऑफ एजुकेशन 1986 की बात अगर हम करते हैं तो राष्ट्रीय जो शिक्षा नीति 1986 में आई उसमें कहा गया कि 6% जो निवेश किया जाए वो शिक्षा जगत में किया जाए, शिक्षा के क्षेत्र में कुल बजट का 6% खर्च किया जाना चाहिए और इस 6% में विशेष उपकरण उपलब्ध करवाए जाने चाहिए, शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाने चाहिए, सेवापूर्ण प्रशिक्षण आयोजित किए जाने चाहिए, सेवा काल के अंतर्गत प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाने चाहिए। इसके अलावा भी कई ऐसी राष्ट्रीय शिक्षा नीति में बात, जैसे राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने जो है समाज कल्याण विभाग को छोड़ करके शिक्षा विभाग को जो है शिक्षा का दायित्व प्रदान कर दिया था। तो आपको समझ आया इस बात का, यस या नो? उसके बाद आता है सर्व शिक्षा अभियान। सर्व शिक्षा अभियान की जो सारी नीतियां थी उसको, सर्व शिक्षा अभियान को की जो सारी नीतियां थी उसको क्या कर दिया गया, बंद कर दिया गया। सर्व शिक्षा अभियान में कहा गया कि सर्व शिक्षा अभियान जो कि 2001 में आया था, सब पढ़े सब बढ़े, और आज इसी सर्व शिक्षा अभियान के नाम पर चल रहा है समसा, जो कई बार मैंने आपको वीडियो में बताया है। क्या, कौन सा कार्यक्रम चला? समसा कार्यक्रम चला। अब आगे देखिए, तो ये शैक्षिक कार्यक्रम है जो कि समेकित शिक्षा को आगे बढ़ाने में जिन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो आपका जो समेकित शिक्षा वाला टॉपिक था वो क्या हो चुका है, कंप्लीट हो गया। ये समाधान आपने अब तक लिख लिए होंगे कॉपी में, तो इनको कॉपी में लिखते रहे, और इनको जैसे जैसे आप कॉपी में लिखते रहेंगे वैसे वैसे आपको ये क्या है, जब भी एग्जाम के दृष्टिकोण से आपको ये याद करने हैं, ठीक है। अब जो अपना नेक्स्ट टॉपिक चल रहा है वो है आपका बच्चों अक्षमता पहचान के। भाई हमने प्रोग्राम भी बना दिए, शैक्षिक नीतियां भी बना दी, लेकिन इन नीतियों को बनाएगा, बना भी चुके, समेकित शिक्षा को आगे भी बढ़ा लिया, लेकिन जब तक हमें यही पता नहीं चलेगा कि अक्षमता पहचान कैसे की जाए तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है अक्षमता पहचान के उपागम। आप जानते हो हर छात्र अलग अलग होता है, हर छात्र कैसा होता है, अलग अलग होता है। कुछ छात्र जो है, कुछ छात्र जल्दी सीख जाते हैं और कुछ छात्र देर से सीखते हैं। जो बच्चा देर से सीखता है उसके बारे में हमारी धारणा बन जाती है ये कैसा बालक है, मंद बुद्धि बालक है, ये बच्चा कैसा है, विकलांग है, ये बच्चा कैसा है, लापरवाह है। बोलते हैं कि ये बच्चा ऐसा है। तो ये धारणाएं तो हम बना लेते हैं, लेकिन हमें इसके पीछे का कारण, इनके पीछे का कारण भी क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। तो हमें अक्षमता पहचान कैसे की जाए ये हम आज टॉपिक में पढ़ेंगे। तो ध्यान से सुने, मैंने आपको बताया कि हर छात्र अलग होता है, कुछ छात्र जल्दी सीख जाते हैं और कुछ छात्र देरी से सीखते हैं। तो देरी से सीखते ही जो बच्चा जल्दी कर लेता है, आपको पता है कक्षा में बच्चा बैठा है, अगर आगे की रो में बैठा है तो वो ब्लैक बोर्ड पे सब देख लेता है तो उसका अधिगम कैसा हो जाता है, अच्छा। उसी बच्चे को आपने दूसरे दिन पीछे वाली रो में बिठा दिया और वो बच्चा अधिगम नहीं कर पाया। जब बच्चा अधिगम नहीं कर पाया तो हम कहते हैं कि आज तेरा ध्यान पढ़ने में नहीं है, लेकिन हमने ये नहीं देखा ध्यान क्यों नहीं है, उसके पीछे का कारण क्या है।
हम उसको ये कह देंगे कि आज तेरा कक्षा में ध्यान नहीं है, लेकिन शिक्षक का दायित्व है कि उन कारणों को खोजना। वो कारण कौन कौन से हो सकते हैं कि बच्चा एक दिन अधिगम कर रहा है, दूसरे दिन अधिगम नहीं कर पा रहा है, क्या ऐसे कारण रहे हैं। इसीलिए आज हमारा जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं बी एड डिग्री धारियों के लिए, तो वो कौन सा है, अक्षमता पहचान के उपागम। ये कह रहा है कि विकलांगता, क्या ऐसे कारण हो सकते हैं कि बच्चा देरी से सीख पा रहा है, तो इसके कुछ आंतरिक कारण हो सकते हैं। अक्षमता, विशिष्ट आवश्यकता वाले जो बालक है उनको हम कैसे पहचान सकते हैं। विकलांग बालकों के अंदर ऐसी कौन सी आंतरिक चीजें होती है जिसको देख करके हम पता कर सकते हैं कि वास्तव में इसके साथ क्या है, समस्याएं हैं। उन समस्याओं को समझना शिक्षक का क्या होना चाहिए, दायित्व होना चाहिए। हो सकता है आपके स्कूल में विकलांग बच्चा ना हो सकता है विकलांगों के प्रति आपका नकारात्मक रवैया हो सकता है माता पिता आपसे आपके पास बच्चों को भेजने में हिचकिचा रहे हो। अगर ये सब कारण हमारे समाज में नहीं होते तो मानकर चलना आज कोई भी विकलांग बच्चा एजुकेशन से रहित नहीं होता। आज हमारे शिक्षकों का, मनोविज्ञान शिक्षकों का नकारात्मक रवैया भी कहीं न कहीं उन विकलांगों को स्कूल तक लाने में बाधा पैदा कर रहा है। तो उस बाधा को हटाने के लिए हमें विकलांगता की पहचान करनी ही पड़ेगी। तो देखो ध्यान से, अक्षमता पहचान के उपागम, आंतरिक कारण पड़ेंगे। अक्षमता पहचान के उपागम में सबसे पहले कौन से कारण पड़ेंगे, आंतरिक कारण। देखो दो भागों में बांट सकते हैं विकलांगता के कारणों को, कितने भागों में बांट सकते हैं, दो भागों में। विकलांगता के कारण पहला बोल सकते हैं वो आप आंतरिक कारण, लिख लेना इसको, और दूसरा है आपका बाह्य कारण। आंतरिक कारण और बाह्य कारण, तो आंतरिक कारण में सबसे पहला है बौद्धिक क्रियाकलाप का निम्न स्तर। आप जानते हो कुछ बच्चे जल्दी सीख जाते हैं, कुछ बच्चे देरी से सीखते हैं। क्यों? कुछ बच्चों में मानसिक बुद्धि अच्छी होती है और कुछ बच्चों में मानसिक बुद्धि कम होती है। तो बौद्धिक क्रियाकलाप का जिसका स्तर निम्न है वो मानसिक रूप से क्या है, विकृत है। तो इसकी पहचान हमें पता चल जाएगा, इसका मतलब वो बच्चा क्या है, विकलांग है। जो मंद बुद्धि बच्चा है वो क्या माना जाएगा, विकलांग माना जाएगा। दूसरा आता है बेटो दृष्टि विषयक समस्या, दृष्टि विषयक समस्या। मैंने अभी आपको बताया भी था, क्या बताया था, कि कुछ बच्चे हैं कि जिनको कम दिखता है, मामूली सी प्रॉब्लम। कुछ बच्चों को बिल्कुल नहीं दिखता, तो लेकिन जो कम दिखता है वो सामान्य बालकों के साथ पढ़ सकते हैं या नहीं पढ़ सकते, पढ़ सकते हैं। लेकिन शिक्षक को ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जिनकी दृष्टि विषयक समस्या है उनको हम कहाँ बिठाएं, आगे बिठाएं, उनकी दृष्टि विषयक समस्या को देखते रहे। तो दृष्टि विषयक अगर समस्या है तो वो भी क्या माना जाएगा, विकलांगता का कारण है। तीसरा आता है स्वर्ण और वाक समस्या। तीसरा कौन सा पॉइंट है आंतरिक कारण में, तीसरा है स्वर्ण और वाक समस्या। सुनने में और वाक मतलब बोलने में। आपको पता है कई बच्चे बोलने में हिचकिचाते हैं, क्यों? तो ये हिचकिचाना और कई बच्चे जो डेसिबल क्षमता है उनकी वो कम होती है। अब उनको पास से कोई आवाज लगा रहा है तो वो सुन लेते हैं, दूर से कोई आवाज लगा रहा है तो वो नहीं सुन पाते हैं। तो स्वर्ण और वाक से संबंधी समस्या भी विकलांगता का कारण हो सकता है। तो पहला तो क्या देखा अपने आंतरिक कारणों में, बौद्धिक क्रियाकलाप का निम्न स्तर, दूसरा है दृष्टि विषयक समस्या, और तीसरा है स्वर्ण और वाक
समस्या। चौथा जो इसका कारण है विकलांगता के आंतरिक कारणों में वो है मांसपेशियों में तालमेल। कौन सा है? मांसपेशियों में तालमेल। कई बच्चे आपको पता है किसी का हाथ लटका हुआ होता है, किसी का पैर ऐसे होता है, तो वो शारीरिक तालमेल नहीं बिठा पाते। तो शारीरिक जो ढंग से खड़े नहीं हो पाते, किसी की गर्दन लटकी हुई है, किसी का हाथ लटका हुआ है, कोई पैर से, जैसे पोलियो ग्रस्त जो बच्चा है वो भी किसमें आएगा, वो मांसपेशियों में तालमेल नहीं बिठा पाता है, तो वो भी विकलांगता का कारण हो सकता है। इसके बाद जो पांचवा कारण है वो क्या है? स्मृति संबंधी समस्या। आपको बताएं कई बच्चों को याद नहीं रहता, कई बच्चे बहुत जल्दी से सीख जाते हैं, तो अगर किसी की मेमोरी जो है वो शॉर्ट है तो वो भी क्या है? विकलांगता का कारण है। इसके बाद जो छठा पॉइंट है वो है पढ़ने लिखने में, पढ़ने लिखने और वर्ण विन्यास में क्या आती है? कठिनाई आती है, वो भी विकलांगता के कारणों में जाना जाता है। तो विकलांगता क्या है, विकलांगता के कारण क्या है? आंतरिक कारण और बाह्य कारण। आंतरिक कारणों में आपने देखा बौद्धिक क्रियाकलाप का स्तर कैसा होता है? निम्न होता है। दूसरा देखा आपने दृष्टि विषय क्या रहती है? समस्या हो सकती है। सुनने और बोलने में क्या हो सकती है? समस्या हो सकती है। मांसपेशियों के साथ तालमेल वो नहीं बिठा पाता है। स्मृति संबंधी समस्याएं उनके सामने होती है, उनकी स्मृति बहुत ही वीक होती है, और पढ़ने लिखने में क्या होती है? असुविधा होती है। तो ये कौन से कारण हुए बच्चों? ये आंतरिक कारण है। किसके? विकलांगता के। किसके हैं? विकलांगता के। अब आते हैं बच्चों बाह्य कारण। कौन से कारण? बाह्य कारण कौन से हैं विकलांगता के? तो वो देखते हैं। विकलांगता के बाह्य कारणों को भी हम दो भागों में बांट सकते हैं, एक परिवार और दूसरा है विज्ञान। बाह्य कारण या वातावरण संबंधी कारण, ठीक है बच्चों। परिवार में क्या होता है कि विकलांगता का कारण बन सकता है? तो वो है माता पिता के स्नेह में कमी। माता पिता के स्नेह में कमी। माता और पिता अगर उस बच्चे को प्यार नहीं करते हैं तो वो बच्चा धीरे 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 नकारात्मक हो जाता है और वो विकलांगता का शिकार हो सकता है। हो सकता है, नहीं हो सकता? हो सकता है। माता पिता का प्यार बच्चों को मिलना आवश्यक है। दूसरा है हीन भावना, हीन भावना। तीसरा है अन्य बच्चों से कमतर समझना, अन्य बच्चों से कमतर समझना, लालन पालन उपयुक्त तरीके से उपयुक्त तरीके से न होना। लिख लेना आप साथ में। पांचवा पॉइंट जो है आपका है समान रूप से स्वीकार न करना। तो देखो विकलांगता का क्या कारण हो सकता है? अगर बच्चा माता पिता से क्या नहीं करता, माता पिता उससे प्यार नहीं करते हैं। दूसरा है उनके अंदर क्या पैदा हो जाए, हीन भावना अगर पैदा कर दी जाए वो भी विकलांगता का कारण बन सकता है। आपको पता है हकला करके बोलना ये क्या है? हीन भावना है। क्या है? हीन भावना है। अगर उसमें आत्मविश्वास पैदा किया जाए तो धीरे 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 जो बोलने की उसकी जो फ्रिक्वेंसी है वो वापस आ सकती है।
तीसरा है लालन पालन, अगर उस बच्चे का उपयुक्त तरीके से नहीं किया जाए, उसका समय पर इलाज नहीं किया जाए तो वो भी विकलांगता का कारण हो सकता है। जैसे आप बोल सकते हो पोलियो होना, अगर हमने बच्चे को पोलियो की दवा नहीं पिलाई तो उसके पोलियो होगा तो वो विकलांगता का कारण बन सकता है। फिर है समान रूप से स्वीकार नहीं करना, अगर और बच्चों से, मतलब ये है कि और बच्चों से उसको कमतर समझना भी विकलांगता का कारण हो सकता है। अब आता है विद्यालय, विद्यालय में सबसे पहला तो आता है उपेक्षा। अगर शिक्षक उस बच्चे की, किसी बच्चे की उपेक्षा करते हैं तो वो विकलांगता की श्रेणी में आ सकता है। दूसरा है आपका अनुकूल सामाजिक वातावरण, अगर बच्चे को नहीं दिया जाए तो भी वो विकलांगता का कारण हो सकता है, हो सकता है नहीं हो सकता। तीसरा उत्तरदायित्व ना दिया जाए, उत्तर दायित्व अगर बच्चे को नहीं दिया, न दिया जाना, ये भी विकलांगता का क्या हो सकता है, कारण हो सकता है। चौथा है सामंजस्य का अभाव, सामंजस्य का अभाव, ये विकलांगता के कारण हो सकते हैं। तो आपने देखा अशंका पहचान के उपागम में विकलांगता के क्या क्या कारण हो सकते हैं। आंतरिक कारण, बाह्य कारण के दो प्रकार है, परिवार और विद्यालय। तो आगे के जो टॉपिक्स हैं उनमें विकलांगता के प्रकार पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? विकलांगता का अर्थ, विकलांगता के क्या क्या प्रकार हो सकते हैं और विकलांगता की पहचान जो है हम कैसे कर सकते हैं, तो ये हम जो है नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो आप चाहते हैं कि आगे भी आप ऐसे ही पढ़े तो आप मेरे इस वीडियो को ध्यान से देखें, और नव परिवार की तरफ से मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा वीडियो ऐसे ही देखते रहे, धन्यवाद।